नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, 6 सितंबर सोमवार के दिन तुला राशि वालों रूह कांप उठेंगे सुनकर, क्योंकि अगले ही 24 घंटों के अंदर आप लोगों के जीवन में बहुत दुर्लभ संयोगों का निर्माण होने वाला है। तुला राशि के लोगों के जीवन में जब से ये सितंबर का महीना प्रारंभ हुआ है, तुला राशि के लोगों के जीवन में कोई ना कोई मुसीबतें, कोई ना कोई समस्याएं, कोई ना कोई दुख तकलीफों और परेशानियों से आप लोगों का सामना जरूर हुआ होगा। आप लोगों के जीवन में कई प्रकार की स्थितियां भी ऐसी बनी होंगी जो आप लोगों की परेशानी का कारण बन रहा है, जो आप लोगों के जीवन में किसी न किसी रूप से आप लोगों को परेशान कर रहा है। आप लोगों के जीवन में खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है, आप लोगों के जीवन में व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है, आप लोगों के कई सारे सपने भी आप लोगों से बहुत ही ओझल हो रहे हैं। वैसे में आप लोगों के बदलते हुए वक्त के साथ साथ 6 सितंबर सोमवार का दिन आप लोगों के जीवन में बड़ी खुशखबरी को लाएगा, आप लोगों के जीवन के सारे कष्टों को दूर ले जाएगा। आप लोगों को शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे, आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी की प्राप्ति होंगे, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आप लोगों को सफलता की प्राप्ति होंगे, हर प्रकार की जरूरतों को भी आप आसानी से अवश्य पूर्ण करोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो तुला राशि के लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध जरूर करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस समय खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए दिन काफी ज्यादा अच्छा रहेंगे। आप लोगों के ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी होंगे, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आप लोगों को सफलता मिलेंगे, सेमिनार और प्रदर्शनी आदि को लेकर आप लोगों की नई जानकारी और किसी नए तथ्य की मुहैया भी आप कर सकते हैं, जिनसे कि आप लोगों को बड़ी सफलता मिलेंगे। आप अपने जीवन साथी को समझने से गलती ना करें, आप लोगों को इस समय जीवन साथी को गलत समझने के बिल्कुल भी भूल ना करें। आप लोगों को इस समय बहुत ही बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे, शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। आपके जीवन में जो भी परेशानियां किसी भी कारण से चली आई हैं, उन सभी परेशानी का अंत हो जाएगा। आप लोगों को बड़ी सफलता भी आसानी से प्राप्त होंगे, आप लोगों के जीवन में बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र को लेकर भी आप लोगों के सारे सपने भी हकीकत में बनेंगे, तथा लंबे समय के बाद आप अपने नींद को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। लंबे समय के बाद आप लोगों के जीवन में खुशियां भी दस्तक दे सकेंगे और कार्य क्षेत्र में भी बड़ी सफलता की प्राप्ति होंगे। इस समय आप लोगों को भगवान शनिदेव जी की कृपा से बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे, शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगे। जो आप लोगों के जीवन में छूट चुका है, आप उसको लेकर परेशान होने के बजाय नई तरीके से नए काम काजों को करने के अवश्य कोशिश करें, नई योजनाओं को बनाकर भी आप कार्य क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का उपयोग कर सकते हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्यों से अपने कार्य क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। मित्रों, जो लोग इस समय कपड़े का व्यापार व्यवसाय करते हैं, कपड़े के व्यापारियों के लिए दिन काफी ज्यादा शानदार रहेंगे, कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को बढ़ोतरी की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को इस समय विवादों से बचने का प्रयास करने होंगे, यदि कोई समस्याएं हैं तो उनको भी आप लोगों को बहुत ही सोच समझ कर और सावधानी से उन सभी समस्याओं को दूर करने के जरूरत रहेंगे, क्योंकि यह समय आप लोगों की प्रतीक्षा आप लोगों के जीवन में कई प्रकार की ऐसे भी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है जो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का, कहीं ना कहीं दुखों का और समस्याओं का भी कारण बन सकता है। आप बिना किसी परेशानी के जीवन में कार्य को करते हुए आगे बढ़ने के लगातार प्रयास करते रहें। मित्रों, आप लोगों को इस समय मोबाइल फोन का उपयोग कम से कम करने की जरूरत होंगे, क्योंकि मोबाइल फोन के जरिए आप लोगों के कार्य क्षेत्र में कोई रुकावटें भी उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए आप लोगों को समस्याओं से गुजरना भी पड़ सकता है। आप बहुत ही सतर्क रहें, बहुत ही सावधान रहें और आप लोगों के जीवन में जो भी समय चल रहा है, आप उस समय के नजाकत को समझते हुए कार्य को करने के अवश्य कोशिश करें, तभी आप सफल हो सकोगे, तभी आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। मित्रों, यात्राओं और शिक्षा से जुड़े कई प्रकार के कार्य को करने से आपको धन लाभ की प्राप्ति होंगे।
आपके जीवन में बढ़ोतरी की प्राप्ति होंगे, इससे ज़्यादा आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होने वाली है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आप लोगों के सेहत काफ़ी अच्छी होंगे, आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी भी अवश्य दस्तक देंगे। आप लोगों का व्यापार, बिजनेस और आपके करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता भी देखी जा सकती है, जो आपके दैनिक दिनचर्या में परिवर्तित करेंगे, जो आप लोगों के दैनिक खुशखबरी को लाएगा और आपको भूमि, भवन और रियल इस्टेट और सांस्कृतिक प्रयोजनों से भी ध्यान केंद्रित हो सकता है। आप लोगों के बच्चों की पढ़ाई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय आप लोगों की जो भी चिंताएं हैं उन सभी चिंताओं को त्याग कर आप लोगों को खुशियां मनाने का कोशिश भी जरूर करने होंगे। आप लोगों को चीज़ों को और अलग अलग तेजी से रखने की क्षमता भी आप लोगों के जीवन में बनने वाली हैं। मित्रों, आप लोगों का विनम्र स्वभाव आप लोगों के जीवन के सहारा जाएगा। कई लोग आपसे अच्छी खासी तारीफें कर सकते हैं। मनोरंजन और सौंदर्य से आप लोगों के इजाफे होंगे और ज़रूरत से ज़्यादा वक्त आप इन सभी चीज़ों में न खर्च करें। आप लोगों को छोटे भाइयों और बहनों से भी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगे। आप लोगों को भविष्य में कई रुझानों को स्थापित करने का मौका मिलेंगे। आपकी यात्राएँ भी आपके लिए बहुत ही आनंददायक रहेंगे। खेल कूद में आप लोगों का समय भी बीतेंगे, जो आपको तंदुरुस्ती में बनाए रखेगा। आर्थिक परेशानियों के चलते भी आप लोगों को आलोचना और वाद विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों से न कहने के लिए तैयार रहें जो आपसे जरूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ऐसे में आपको खुश रखने के लिए माता पिता और दोस्तों की पूरी कोशिशों में लगी रहेंगे। आप लोगों की जरूरतें भी आसानी से पूरी होंगे। अकेलापन और तन्हाई की भावनाओं से बाहर आएँ और परिवार के साथ कुछ पल बिताएँ। जैसा कि आप लोगों के जीवन में शुरू से होता चला आ रहा है, पैसा भी आप लोगों के जीवन में आएगा, जो आप लोगों के खर्चों और बिलादी को संभाल लेगा। पारिवारिक परेशानियों को हल करने से आप लोगों को बच्चों जैसा मासूम बर्ताव, अहम और कई प्रकार के घमंड का उत्पन्न हो सकता है। आप लोगों को घमंडों को करने से बचने की जरूरत रहेंगे। आप लोगों को समय, पैसा, यार दोस्त निश्चिराते और आप लोगों के जीवन में एक तरफ से कोई भी प्यार को आप वापस पा सकते हैं। जो धुआं आप लोगों के जीवन में चारों तरफ छाई हुई हैं, वे आपकी प्रगति को बाधा कर रहे हैं, उसे बाहर निकलने का समय है। भागीदारी वाले व्यवसायियों और चालाकी भरे आर्थिक योजनाओं में निवेश न करें। परिवार में आप एक संधि कराने वाले दूत का दायित्व निभा सकोगे और सभी परेशानियों पर भी गौर करें, जिनसे के समस्याओं पर भी समय रहते काबू पाया जा सके। रोमांच के लिहाज से आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए आप सच्चे प्यार को ढूंढ पाने में असफल होंगे। इसलिए आप वजह किसी भी कार्य को न करें, मुस्कुराइए, क्योंकि यही आप लोगों के सभी समस्याओं से उम्दा इलाज करवा सकता है। आप लोगों का दिन बहुत ही लाभदायक रहेंगे। आप लोगों को कार्य क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। सुबह सुबह आप लोगों को कोई ऐसी खुशखबरी भी प्राप्त होंगे, जिसे सुनने के बाद आप काफी ज्यादा प्रसन्न होंगे और किसी अच्छी खबरी को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए निवेश करें। घरेलू उम्र पर भी आप लोगों की समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं, इसलिए तोल मोल कर ही बोलें। आपका दिन बेहतर बने, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।